फील्स वेरी इट्स वेरी हमलिंग, इट्स वेरी इनक्रेजिंग. बहुत अच्छा लगता है. मैं खुद एस आर के सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े एंड नोबडी एल्स कैन बी शाहरुख खान, ओनली शाहरुख खान कैन बी शाहरुख खान. हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी हमलिंग. इट्स आई टेक इट विद अ लॉट ऑफ हम्बलनेस जब लोग ऐसा कहते हैं एंड आई ट्राई टू डू माई बिट टू वर्क हार्ड. आई थिंक वॉट दे मीन इज कि देव सीन, उन्होंने मेरी रोमांटिक फिल्में ज़्यादा देखी एंड उनको ऑडियंसेस को मेरा रोमांस पसंद आता है. सो बाय दैट लॉजिक आई थिंक दैट इज हाउ दे वॉन्ट टू कंपेयर मी विद एस आर के सर. बट देर इज नो कंपेरिजन, ही इज द बेस्ट. एंड इस पिक्चर में दो सिर्फ वो एस आर के वाला एलिमेंट नहीं है, थोड़ा सा विकिड कैरेक्टर है, थोड़ा सा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है. और आई थिंक आज तक लोगों ने जैसा मुझे देखा नहीं है वैसा प्रेजेंट होने जा रहा हूँ मैं. And I think a big thank you to Sanjay Leela Bansali sir, Shabina ma'am, Swapna who's the director of the film, and Shirish Latkar who's the writer. I think jis tarah ka kirdaar unhone mere liye likha aur chuna mere liye bhi bahut challenging tha kyunki maine kabhi aisa role kiya nahi hai. So I think it was a big big upside for me. I hope and I'm sure ki audiences ko ye role bahut pasand aayega. Har technician ki, har maker ki, har actor ki, har film line se jude aadmi ki khwahish hoti hai ki zindagi mein ek baar अपना नाम संजय लीला बंसाली सर के नाम के साथ जोड़ा जाए इन वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट, इन विच एवर वे. आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि संजय सर को और शबीना मैम को ऐसा लगा कि हिंदी के अलावा अगर कोई पिक्चर करनी चाहिए तो पहली बार उन्होंने मराठी फिल्म अटैम्प्ट की है. एंड आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उस पिक्चर का हीरो मैं हूँ. तो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज. ही इज़ अ माइस्ट्रो, ही इज़ अ लेजेंड, देर आर नो टू वेज ऑन दैट. Laal Ishq is a beautiful love story with a parallel track of a murder mystery. And I think we've, in Marathi cinema at least, we've not seen a genre which are two literally genres mixed, love story with an intense love story with a murder mystery. So I think that thrill is also there and the romance is also there. I think it's a beautiful combination. I play a guy called Yash Patwardhan, bahut bada superstar hai, Marathi filmon ka bahut bada hero hai. Aur kisi का करियर बचाने के लिए वो अचानक डिसाइड करता है एक दिन कि ही वॉन्ट्स टू डू थिएटर अगेन, फिर से नाटक में काम करना चाहता है. और उस नाटक के रिहर्सल के लिए सारा कास्ट एंड क्रू एक रिजॉर्ट में दाखिल होता है. और जैसे ही वो उस रिजॉर्ट में दाखिल होते हैं एक एक करके लोग मरने लगते हैं. एंड द मिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कि क्या यश का ये मूव डिलिबरेट है नाटक करने का और सबको यहाँ लाने का. वहाँ एक टॉरिड लव स्टोरी शुरू होती है दो किरदारों के बीच में, तो क्या ये मर्डर्स उस लव स्टोरी की वजह से हो रहे हैं या मर्डर्स हो रहे हैं इसलिए फिर उसको छुपाने के लिए किसी को प्यार, किसी के साथ प्यार का नाटक किया जा रहा है. दैट इज़ वॉट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. द स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस ऑनसम कास्ट ऑफ 10-12 कैरेक्टर्स. तो आई थिंक इस कहानी में हीरो हीरोइन से ज़्यादा आई थिंक द स्टोरी इज द हीरो ऑफ द फिल्म. मेरे कैरेक्टर का नाम है जानवी देवधर. वो एक बहुत सिंपल लड़की है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. तो बहुत लेयर्स हैं उसके कैरेक्टर में. कहीं आप उसको एक मिस्टीरियस एजी कैरेक्टर कह सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वो कहीं कुछ छुपा रही है. देयर इज समथिंग दैट्स हिडन कॉन्स्टेंटली अबाउट हर. सो आई थिंक दैट्स व्हाट जानवी इज ऑल अबाउट. आई थिंक डेफिनेटली मेरे लिए लैंग्वेज एक इशू खैर नहीं कह सकते, बट क्योंकि मराठी मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है तो इसीलिए फ्लुएंटली डायलॉग्स बोलना, इमोशन करेक्ट रखना, डिक्शन पॉजेस करेक्ट आना, सो डेफिनेटली मेहनत थी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. मेंटल मेकअप की भी बहुत प्रेपरेशन थी क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले किया नहीं है जो इंटेंस और मिस्टीरियस हो. सो देयर वाज अ लॉट क्योंकि हमने वर्कशॉप्स किए, स्क्रिप्ट रीड की एवरी सिंगल डे सारे कास्ट के साथ. अबाउट 10-12 पीपल आर देयर इन द कास्ट. सो आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन टू गेट इनटू द कैरेक्टर. चिमनी गाने की खासियत यह है कि क्योंकि मैंने कहा कि ये पिक्चर जो है एक नाटक से जुड़ा हुआ कहानी है कि एक नाटक की रिहर्सल करने के लिए सारे लोग उस रिजॉर्ट में दाखिल हुए हैं. तो वी वांटेड टू, द डायरेक्टर वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द एसेंस ऑफ थिएटर. तो हम सब ने डिसाइड किया कि लेट्स डू अ वन शॉट सॉन्ग. एंड इसलिए गाना वन शॉट है, कोई कट नहीं होता इस गाने में. बिगिनिंग टू एंड इट्स अ वन सिंगल शॉट. आई थिंक इट्स आवर वे ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू थिएटर एंड द एसेंस ऑफ थिएटर. इसलिए ये भी जरूरी था कि वो गाना बहुत जेन्युइन लगे और रियलिस्टिक लगे. इसलिए जिन जिन किरदारों पर गाना फिल्माया गया है स्वप्ना और शबीना ने डिसाइड किया कि हम गाना उन्हीं से गवाते हैं. इसलिए गाना जितने 10-12 लोग नाच रहे हैं गाने में और वो उन सब ने ये गाना गाया है एंड उसका सेकंड अंतरा मुझ पर पिक्चराइज हुआ है तो इसलिए मैंने भी वो गाना गाया. आई थिंक ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ बेस्ट अमित राज नंबर्स. एंड अमित राज और आदर्श शिंदे का कॉम्बिनेशन फिर एक बार वर्क हुआ. द सॉन्ग इज़ अ बिग हिट, बिग हैवॉक इन महाराष्ट्र राइट नाउ. एंड
आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में इट्स ओनली गोइंग टू गेट बिगर एंड बेटर. खूब खूब गोर फिल्म आए, खूब इंटरेस्टिंग फिल्म आए, एंटरटेनिंग आए, कारण रोमांचक रोमांटिक ट्रैक आहे आणि थ्रिलर आहे, तो दोनों दो ही जोन खूब वेगळा आहे. बट इमेजिन वॉचिंग रोमांटिक थ्रिलर इन वन सिनेमा. आई थिंक तुम्हाला खूप आवडले. आई थिंक शी वांटेड टू से अ डायलॉग ऑफ डायलॉग ऑफ द फिल्म. वाओ. ओके, वन लाईन डायलॉग दॅट इज देअर, इट सेज तू येऊन सगळं बदलून टाकलंस, विच मीन्स दॅट तेरे आने से सब कुछ बदल गया, राईट? करेक्ट. 27th of May, विच इज 4 days from now, लालिश रिलीजेस इन द थिएटर्स नियर यू ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, सो प्लीज गो वॉच इट.